बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अपने प्रोग्राम सवाल तो उठेगा के साथ सीधा कलोच एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम नाज़रीन जिस इशू पर बात करेंगे उस पर हर किसी ने बात की है, लेकिन सिर्फ बात की है। हमारा आज का जो टॉपिक है वो एजुकेशन पर है कि पाकिस्तान में एजुकेशन का क्या हाल है और क्या मुस्तकबिल है। तो नाज़रीन आज हम सवाल ही नहीं उठाएंगे, आज हम कोशिश करेंगे कि उनके जवाब भी ढूंढें और हकायक से पर्दा भी उठाएं। और इसमें मदद करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर तजिया निगार, सीनियर कॉलम निगार डॉक्टर मोहम्मद अशरफ सुखेरा साहब। लेकिन उनके पास जाने से पहले मैं एक सवाल उठाना चाहूँगी, और वो सवाल ये कि हुकूमत का एक नारा था कि हमें सड़कें नहीं एजुकेशन चाहिए। नाज़रीन मुझे एक बात समझ नहीं आती कि ये नारा क्यों उठाया गया, कि इस नारे के पीछे सिर्फ एक यही रास्ता कि साबका हुकूमत ने जितने भी काम किए भले थोड़े किए तो उन कामों की नफी करने के लिए ये नारा उठाया गया। तो नाज़रीन अगर मैं कहीं गलत हूँ तो प्लीज़ हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर हमारी इस्लाह ज़रूर कीजिएगा। तो क्या नाज़रीन आपको हुकूमत की जानिब से कोई ऐसा इकदाम नज़र आया जो उन्होंने एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए किया? मुझे तो नज़र नहीं आया। हम बेहतरी की तरफ जाने की बात तो बहुत दूर की, हम तो जहालत की दलदल में मज़ीद फंसते चले जा रहे हैं। तो इसका सलूशन जानते हैं अपने डॉक्टर साहब से। जी डॉक्टर साहब, क्या कहेंगे आप इस बारे में? जी बिल्कुल ऐसी बात है, यहाँ पे ये कल्चर डेवलप हो चुकी है कि जब भी कोई गवर्नमेंट आती है तो वो पहले वाली गवर्नमेंट को नेगेट करती है, उसकी जितनी एक्टिविटीज़ हैं जितने उसके मुफीद काम होते हैं वो उसको कोशिश करती है कि उनमें से खामियां निकाल के और उसको ये जाहिर किया जाए कि उसकी कोई परफॉर्मेंस नहीं है जो उसने आवाम के लिए की हो। मगर यहाँ पे बदकिस्मती ये भी है कि जो नया मंशूर आता है वो मुकम्मल तौर पर पब्लिक की ब्रेनस्टॉर्मिंग की होती है। आप यूँ समझ लें कि उसको एप्लीकेबल करने में बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं, मगर वो पब्लिक को अट्रैक्ट करने के लिए इस तरह के स्लोगन लगा दिए जाते हैं। आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 2 years has gone, मगर हमें कोई परफॉर्मेंस नज़र नहीं आ रही। वैसे कोई भी मुल्क हो, कोई भी तबका हो, कोई भी कौम हो, उनकी तालीमात में हमेशा झूठ की नफ़ी की जाती है, लेकिन हमारे यहाँ तालीम पर ही झूठ बोला जाता है। हम अपने ही मफादात की खातिर तालीम को लेकर ही झूठ बोल रहे हैं। हमने तो अपने बड़ों से सुना था कि झूठ आबादियों को वीरान कर देता है, तब हमें ये बात समझ नहीं आती थी, लेकिन अब हमें समझ आती है। और हमें वो समझ कैसे आती है? क्योंकि आज के दौर में गरीब का बच्चा अपने कम वसाइल की बदौलत कम तालीम हासिल कर रहा है, और अमीर का बच्चा अपने वसाइल ज़्यादा होने की वजह से ज़्यादा तालीम हासिल कर रहा है। हमने फिर ये भी सुना था कि इल्म तो वो ख़जाना है कि ये चोरी नहीं किया जा सकता, लेकिन यहाँ पर तो डाके डल रहे हैं। जी सुखेरा साहब, इस मसले पे आप क्या अर्ज़ करेंगे? जी बिल्कुल, ये भी मसला है कि जब तक आपकी जो तालीम है आपका सिलेबस वो एक नहीं होगा, और फिर आपके जो स्कूल्स हैं उनका एक मेयार नहीं होगा, तो मैं नहीं समझता कि वहाँ पे कोई तरक्की वाली बात है, क्योंकि वहाँ पे सभी की मंजिलें अलग-अलग हैं। एक बच्चा जो गरीब का बच्चा है जिसके पास रिसोर्सेज बिल्कुल नहीं है तो वो हो सकता है मदरसे में पढ़ रहा हो, और अगर उससे कोई थोड़ी बेहतर हालत में है तो हो सकता है वो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहा हो, और फिर गवर्नमेंट स्कूल के बाद प्राइवेट स्कूल्स की वैरायटी है, और फिर उसके बाद आपकी ओ लेवल ए लेवल, और ये सारी जो चीज़ें हैं एजुकेशन में इतनी ज़्यादा वैरायटी होने का मतलब ये है कि आप एक ही घर में 5-6 माइंड जो है ना वो पैदा कर रहे हैं, और एक माइंड की दूसरे के साथ कोहेशन नहीं है। अब ऐसी सूरत हाल में ये कहना कि ये कौम मुनज़्ज़म होगी कभी नहीं हो सकती। क़ायदे आज़म का नारा, ईमान, इत्तेहाद, नज़्म, ये तीनों चीज़ें नहीं हो सकती। नज़्म कहाँ से आएगा, इत्तेहाद कहाँ से आएगा? इंटेग्रिटी तब आती है जब आपके माइंड, आपकी सोच, आपकी मंजिल एक होगी। तो जब आप लोगों का एक एंगल ऑफ थॉट ही डिफरेंट है, अप्रोच ही डिफरेंट है,
तो वो कौम के अंदर नज़्म कैसे आएगा, इत्तेहाद कैसे आएगा। तो सो मैं ये समझता हूँ कि बुनियादी चीज़ जो है ना, चूँकि गवर्नमेंट का ये नारा भी था कि हमने एक सिलेबस करना है, और मैं भी ये समझता हूँ कि अगर गवर्नमेंट स्कूल में आपके मिनिस्टर का बच्चा भी वहीं पढ़ रहा है, आपके प्रेसिडेंट से लेकर नीचे चौकीदार तक गवर्नमेंट स्कूल में बच्चे पढ़ने जाते हैं, तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि उसका स्टैंडर्ड अच्छा ना हो। ये मुमकिन ही नहीं है कि वहाँ तालीम अच्छी ना हो। ये मुमकिन ही नहीं कि वहाँ पर टीचर अच्छे नहीं होंगे। तो वाई नाट कि आपकी अप्रोच ऐसी हो कि एक पूरी कौम को डिवेलप किया जाए, ना कि मखसूस तबकों को डिवेलप किया जाए। मंजिल कैसे एक हो सकती है? मंजिल तो दूर अंदेश लोगों की एक होती है, जिनकी सोच भी महदूद, जिनका सफ़र भी महदूद, उनको मंजिलों से क्या देना देना, उनका कोई ताल्लुक नहीं है मंजिलों से। यहाँ तो कदम कदम पर झूठ, लालच, हिर्स हर चीज में इन्वॉल्व है। सुखेरा साहब, इस बारे में आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, एजुकेशन जो है ना वो एक इंडस्ट्री बन चुकी है, मगर इंडस्ट्री बनना कोई बड़ी बात नहीं है। असल चीज़ प्रेफरेंसेस की है। अगर प्रेफरेंसेस ये हैं कि सिर्फ पैसा ही कमाना है और तालीम जो है ना वो सेकेंडरी पोजीशन पे है, इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग मुकम्मल तौर पर मटीरियलिस्टिक अप्रोच रखते हैं। एजुकेशनल अप्रोच तब होगी कि हम पैसा भी कमाएं, मगर टॉप पे हमारा जो प्रेफरेंस है वो एजुकेशन को बेहतर करना ज़रूरी है। जिसकी मिसालें ये हैं कि बहुत सारे इदारे ऐसे हैं कि वहाँ पे कोई ऐसी एजुकेशनल पॉलिसी नहीं है कि अगर फॉर एग्जांपल हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो कॉमर्स की तरफ लगे हैं तो सारे कॉमर्स की ही डिग्रियाँ ले रहे हैं, इसी तरह इंजीनियरिंग की ले रहे हैं या मेडिकल की ले रहे हैं। और मैं मुझे समझ नहीं आती कि थर्ड वर्ल्ड कंट्री का मुल्क होने के बावजूद जहाँ पे कोई भी बंदा काम नहीं करना चाहता, जो टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स हैं वो ना होने के बराबर हैं, अगर हैं तो गई गुजरी हैं। जी सुखेरा साहब, आप क्या समझते हैं कि इन हालात में हम कैसे अपने एजुकेशन स्टैंडर्ड्स को बढ़ाएं कि हम इंटरनेशनल लेवल पर मीट कर सकें? हम तो नेशनल लेवल पर पूरे नहीं उतरे, तो इंटरनेशनल लेवल तो बहुत दूर की बात है। आपके सामने है सर, यहाँ पे MA, BA, उससे भी ऊपर के लेवल के जो स्टूडेंट्स हैं दर बदर हो रहे हैं, नौकरियाँ नहीं हैं, एक वक्त की रोटी को तरस रहे हैं, यानी उनके लिए कुछ भी नहीं है, उनके लिए ना कुछ करने को है, ना उनको उनकी डिग्रीज का कोई फ़ायदा है, उनको कुछ भी नहीं मिल रहा, ऐसे ही दर बदर हो रहे हैं वो। यहाँ पे बिल्कुल जो टेक्निकल या टेक्नीशियंस की इतनी कमी है, और फिर इससे बड़ी बात कि अगर इन इंस्टीट्यूट से कोई टेक्नीशियन बन भी जाता है तो फिर वो एक अनपढ़ से आके सीखता है। तो इससे एक तो अंदाज़ा ये होता है कि हमारी जो पॉलिसीज़ हैं एजुकेशनल, वो हमारे मुल्क की ज़रूरियात रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक नहीं बनाई जाती, पहली चीज़। दूसरी बात, जब हमारे लोग एजुकेशन कर जाते हैं तो फिर यहाँ पे जो एम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम है वो भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इतने लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल सकती तो अल्टीमेटली अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होगी। और उससे अगली बात कि जितने हमारे इंस्टीट्यूट्स हैं, ख़ास तौर पर जो टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स हैं, उनको उनके ना होने का आप अंदाज़ा लगा लें कि यहाँ पे जितने भी हमारे इंजीनियरिंग के सॉल्यूशंस हैं वो अनपढ़ लोगों ने दिए हैं। मिसाल के तौर पर आपका पावर शॉर्टेज है तो UPS अनपढ़ बना रहा है, वेयर इज इलेक्ट्रिकल इंजीनियर? अगर हमारा ट्रांसपोर्ट के इश्यूज हैं तो चिंची रक्षा अनपढ़ बना रहा है। और अगर हमारे पास गाड़ियां हैं और एक गाड़ी की 3-3 करोड़ की मालियत की गाड़ियां हैं, महंगी गाड़ियां लोगों के पास, मगर जो वर्कशॉप्स हैं वहां पे मुझे तो कहीं मैकेनिकल इंजीनियर नज़र नहीं आया, वहां पे अनपढ़ उस्ताद ठीक कर रहे हैं।
तो ये जो मसले हैं, मुझे ये समझ नहीं आ रही कि इसके ऊपर कोई सॉलिड पॉलिसी नहीं है। और फिर ये जो स्पेस यहाँ पे मिला हुआ है, इतना कम स्पेस है, यहाँ पे आप डिग्रीज लेके फिर उसके बाद ये तवक्को करके बैठ जाते हैं कि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट भी दे उसके ऊपर, तो ये भी बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि स्पेस कम है। और उसका ये एक बेनिफिट ज़रूर हो सकता है कि एजुकेशन अगर यहाँ से हासिल की है तो उसके बाद यहाँ पे आप फिट नहीं हो सकते, और यहाँ पे अगर फिट नहीं होते जो अच्छी एजुकेशन वाले हैं तो बाहर जाके वो सुपर फिट हो जाते हैं। तो इसकी एक वजह ये है कि यहाँ पे स्पेस कम है। दूसरी वजह, गवर्नमेंट का जो बनता है, जो गवर्नमेंट के ऊपर जिम्मेदारी आयद होती है कि हमारी पब्लिक के हिसाब से, हमारे लोगों के हिसाब से एजुकेशनल पॉलिसीज हों, और उसके हिसाब से उनकी एजुकेशन का लेवल ये होना चाहिए कि जब वो इंस्टीट्यूट से निकले तो वो ओरली, प्रैक्टिकली, थ्योरेटिकली इतना कॉम्पिटेंट हो कि उसके बाद वो कोई ना कोई काम कर सके। मगर यहाँ पे बदकिस्मती, जो ही यूनिवर्सिटी एजुकेशन से फारग होता है, तो यूनिवर्सिटी जब वो पढ़ रहा होता है, बहुत बड़े ड्रीम्स होते हैं, जब बाहर निकलता है तो सारे ड्रीम्स वैनिश हो जाते हैं, क्योंकि एवरीवेयर द एनवायरनमेंट इज़ कम्प्लीटली कॉम्पिटेटिव। तो यहाँ पे कोई लेवल नहीं है, आप देख लें, टैलेंट की कोई कमी नहीं है, 80% 90% से ऊपर मार्क्स लोग ले रहे हैं, तो उसके बाद आप क्या मेरिट की बात करेंगे, वहाँ पे कौन सा मेरिट बनाएंगे, जब हर बंदा ही आपका 80% से अबव जा रहा है। इट मीन्स कि सारे लोग वेल टैलेंटेड हैं, सिर्फ मुअस्सर और कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसीज की ज़रूरत है कि हाउ टू अकोमोडेट आवर स्टूडेंट्स। दूसरी बात, जो हमारे इंडस्ट्रीज़ की मैं बात कर रहा था, कि अगर यही लोग मिलके इसको इतना फ्रूटफुल कर सकते हैं कि अगर वहाँ पे इदारों में साथ में प्रैक्टिकल भी उतना हो, खाली डिग्री का हासिल करना थ्योरेटिकली, वो उसके बाद वो उसका सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है बाहर। और मैनी टाइम्स हमने देखा कि लोग वेल क्वालिफाइड हैं, मगर बाहर आके जो अनपढ़ लोग हैं वो उनसे ट्रेनिंग ले रहे होते हैं। सो इट इज अ क्वेश्चन मार्क ऑन द इंस्टीट्यूट्स। सुखिंदर साहब, बच्चों की ग्रूमिंग तो दूर, हम इस एजुकेशन इंडस्ट्री की वजह से उस्ताद और शागिर्द का जो इतना पाकीज़ा रिश्ता है, हम तो उसको ही भूल चुके हैं। कहाँ गए वो उस्ताद जो अपनी क्लास के शाइनिंग स्टूडेंट देखकर उसके ऊपर ज़्यादा मेहनत करते थे, अपने एक्स्ट्रा टाइम में से भी उसके ऊपर फोकस करते थे कि ये बच्चा किसी मंजिल पर पहुँच जाए, उसको प्रॉपर टाइम देते थे, एक्स्ट्रा टाइम देते थे, उनके लिए कुछ करना चाहते थे। और कहाँ गए वो स्टूडेंट्स जो अपनी मंजिल पर पहुंचने के बाद भी अपने उस्ताद को सामने से आता देखकर अपना रास्ता छोड़ देते हैं, अपनी जगह छोड़ देते हैं। सुना से सबकी तरह मैं भी आज इस सलूशन को नामुकम्मल ही छोड़कर आपसे इजाजत चाहूंगी।